नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक फिल्म की। दरअसल एक तरफ राम मंदिर जो है वो तैयार हो चुका है और इंतजार हो रहा है उस तारीख का, 22 जनवरी का, और वो घड़ियां बेहद नजदीक आती जा रही है क्योंकि इसी दिन तो रामलला यहाँ पर विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश को 500 से भी ज्यादा सालों से इस घड़ी का, इस लम्हे का इंतजार है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष भी तो है। उस संघर्ष को समझना, उस संघर्ष को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ये जानते हैं कि 500 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं कि रामलला वहां विराजमान हों, लेकिन इसके पीछे की लड़ाई कितनी लंबी है। इसके पीछे 500 साल पहले जो लड़ाई शुरू हुई थी तब क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद कोर्ट का फैसला इतने सालों में कैसे कैसे करके आया, ये सारी चीजें समझाने के लिए 19 तारीख को एक फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम है 695, यानी 695। लेकिन आप इसे 695 भी मत बोलिए और 695 भी मत बोलिए। क्यों मत बोलिए, इसी को हम समझना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं इस फिल्म के को प्रोड्यूसर अमित चिमनानी साहब। बहुत बहुत स्वागत है चिमनानी साहब आपका। ये फिल्म आ रही है 695, क्या है ये फिल्म सर, थोड़ा सा समझाइएगा इस 695 के मायने क्या। 695 नहीं, 695 नहीं बोलना है और 695 भी नहीं बोलना है, 695 आप बता रहे हैं क्यों। पूरा देश इस वक्त राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो है उसके उत्सव में डूबा हुआ है। हर जगह तैयारियां चल रही हैं जश्न मनाने की, लेकिन ये जो दिन आया है ये तो कोई 2-5 मिनट के या 2-5 महीनों के या 2-5 वर्षों के संघर्ष के बाद नहीं आया है, पूरे 500 वर्षों का संघर्ष रहा है। ये संघर्ष किसने किया, इस संघर्ष में क्या किसी को अपना खून भी बहाना पड़ा, क्या किसी की जान भी गई, किनका योगदान रहा, वो क्या कोई संगठन थे, वो क्या कोई व्यक्ति विशेष थे, वो क्या कोई राजनीतिक दल के लोग थे, आखिर कौन थे जिन्होंने अपने जीवन का पल पल खपा दिया, अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन इस दृढ़ संकल्प से हटे नहीं कि राम मंदिर तो राम जन्मभूमि पर ही बनना चाहिए। तो ये जो उत्सव मना रहे हैं ऐसे लोगों को अगर नमन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो ये उत्सव अधूरा सा लगेगा पुनीत जी। इसीलिए ये फिल्म लेकर हम आए हैं जिसके निर्माता श्याम चावला जी हैं, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत अच्छे से इस फिल्म में घटनाक्रम को दिखाया गया जो पूरी तरीके से वास्तविक है। और जहां तक इस पिक्चर के नाम की बात है पुनीत जी, कई बार हम देखते हैं कि अल्फाबेट्स के आधार पर, वर्ड्स के आधार पर पिक्चरों का नाम होता है, डिजिट्स में पहली बार शायद आ रहा होगा, इसीलिए लोगों में उत्सुकता भी है। 6 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो हम सबकी स्मृति में है जब विवादित ढांचे को दहाया कार सेवकों ने, 9 नवंबर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनेगा, और 5 अगस्त जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, शिलान्यास किया। तो इसीलिए 6-9-5 सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को, राम भक्तों के लिए एक बहुत ही शुभ अंक है, इसीलिए इन तारीखों के आधार पर इस फिल्म का नाम 6-9-5 रखा गया। इसीलिए इस फिल्म का नाम 695 आपने रखा, ठीक है। ठीक है, ये तो बात हो गई फिल्म के बारे में। ये फिल्म कितनी देर की होगी, इसमें स्टार कास्ट का भी आप कुछ बता रहे हैं, और क्या ये फिल्म एक विशेष राजनीतिक दल के लिए ही बनाई गई है, ये लोगों के ज़हन में सवाल होगा। देखिए, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ उसके पीछे साधु समाज के लोग थे, जब उन्होंने शुरुआत की तो बाद में लोग जुड़ते चले गए। तो इसमें एक ऐसे गुरु की भूमिका है जो हमेशा याचिका करते रहे,
हमेशा जो दूसरा पक्ष रहा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते रहे, उन्हें कहते रहे कि ये हमारी भूमि है हमें दे दीजिए, और जब उनका पूरा जीवन बीत गया और वो चीज नहीं हुई तो उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम रघुनंदन है, जिसकी भूमिका अशोक समर्थ जो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं उन्होंने निभाई है, वो कहते हैं कि किसी घटना दुर्घटना पर जो मौन है वो 2 मिनट का हो सकता है, 400 साल का नहीं। तो ये गुरु शिष्य की कहानी है। इस बीच में जितने लोग जुड़ते चले गए, जिनका भी योगदान रहा, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे संगठन हो, चाहे कार सेवक हो, सभी की भूमिका को दिखाया गया है। इसीलिए फिल्म राम भक्तों को समर्पित है। राम भक्तों को ये फिल्म समर्पित है। अरुण गोविल भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने खुद ने श्री राम की भूमिका निभाई, और यहाँ पर ये इस फिल्म में किस भूमिका में नजर आने वाले हैं। हम आपसे स्टोरी नहीं पूछना चाह रहे हैं, लेकिन फिल्म स्टोरी तो देखिए सभी को मालूम है, लेकिन संघर्ष क्या है ये समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि फिल्म में यही बताने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अरुण गोविल जी एक ऐसी भूमिका में है जो सनातन परंपरा के हिसाब से सर्वे भवंतु सुखिना की बात हम करते हैं, सनातन समाज बर्दाश्त करता है, वो हमेशा आपसी भाईचारे से चीजों को निपटाने का प्रयास करता है, तो वो उसी भूमिका में नजर आए। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी बिता दी ये कहते हुए कि हमें हमारा मंदिर बनाने दीजिए, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। उसके बाद कौन से तरीके अपनाए गए, कैसे कोर्ट में पिटीशन आई, कैसे लोग जुड़े, कैसे आंदोलन हुआ, कोर्ट का निर्णय किस आधार पर आया, क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, ये सारा इतिहास इस एक पिक्चर में जो 2 घंटे 20 मिनट की है लगभग, वो दर्शकों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मूवी जो आ रही है, फिल्म जो आ रही है, जाहिर तौर पर जो भाव जन भावनाओं से जुड़ी हुई है फिल्म, तो ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, देश में बीजेपी की सरकार है, और क्या टैक्स फ्री करने की मांग इससे की जाएगी, क्योंकि ये कहानी सभी को जानना चाहिए, ये इसे समझना चाहिए, इस संघर्ष को समझना चाहिए, तो जो दर्शक पहुंचेंगे उनके लिए क्या खास कुछ हो सकता है क्या? देखिए एक्सक्लूसिव सवाल है आपके के लिए। देखिए जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो 1992 के बाद पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र आज 28-29 वर्ष की है, और भारत देश में ऐसे युवाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, उन्हें इस बात की प्रसन्नता तो है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए उनके बड़ों ने, पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया। 3.5 लाख कार सेवकों की जान गई है। सरयू नदी राम भक्तों के कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी। कई ऐसे लोग हैं जो 100-100 बार जेल गए, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवार छोड़ दिया, कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग जाने के बाद अब राम मंदिर बन रहा है तो उनके परिवारजनों को निमंत्रण आया है, पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। तो युवा पीढ़ी है वो अपने पूर्वजों के बलिदान को देखकर गौरव का अनुभव भी करेगी और इस बात का भी संकल्प लेगी कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम मंदिर के लिए जिस हिसाब से दृढ़ संकल्प हमारे बड़ों ने दिखाया, क्या हम वो दिखा पा रहे हैं, क्या हम भी उतनी कर्तव्य निष्ठा अपने धर्म के प्रति, राम जी के प्रति रख पा रहे हैं। तो ये युवा पीढ़ी इस बात की समीक्षा करेगी और आगे अपने धर्म से, राम जी से और अपना लगाव बढ़ाएगी, ऐसी हमें अपेक्षा है। ठीक है, एक बात और, जब बात राम मंदिर की ही हो रही है, आपने तो फिल्म तैयार कर दी, अमूमन तो हमें ये देखने को मिलता है कि इतिहास में जो घटित हुआ कई सालों के बाद फिल्म बनती है, लेकिन आज जो इतिहास बनने जा रहा है उस पर आपने फिल्म पहले से ही तैयार कर दी। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तब उसके जजमेंट के आधार पर इस फिल्म का निर्माण होना शुरू हुआ। 1050 पेज का वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको आधार बनाकर इसका निर्माण हुआ। तो 3 साल पहले ही हमारी जो इच्छा थी वो यही थी कि राम मंदिर जब बन रहा है उसके पहले उसका इतिहास जनता तक पहुंचे और राम जी की कृपा हुई। दुविधाएं बहुत आती है, देखिए कोई भी लक्ष्य को लेकर काम करें और खास करके ऐसे विषय पर जब हम बनाते हैं जिस पर कोई नहीं बना रहा है, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। इवन सेंसर बोर्ड ने भी बहुत सारे सीन काटने को हमें मजबूर किया जो हमारे हिसाब से कटने भी नहीं चाहिए थे। बहुत सारी और भी बाधाएं आई जिसको पार करते करते आखिरकार राम जी की कृपा से, उनकी इच्छा से, राम मंदिर बनने की जो तिथि है उससे 3 दिन पहले ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। एक चीज और अमित जी, ये जो है ये फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल मेरा नहीं है,
एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में उत्साह है, खास उत्साह, अगर किसी को उत्साह समझना हो तो उसको जाना चाहिए उस कुम्हार के यहाँ जो एक बार फिर से दीपावली ना होते हुए भी दीयों को तैयार कर रहा है, उसमें कितना उत्साह है इससे समझना चाहिए कि देश का माहौल क्या है। लेकिन कुछ लोग या एक दल कांग्रेस जो है वो इस उत्साह को समझने के बजाय कह रहे हैं कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने वाले। क्या कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, अब देश में जनता सब कुछ देख रही है कि जब पूरे देश में और विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में एक ऐसी अनुभूति हो रही है जो शायद जीवन में कभी नहीं हुई, और हम सब भारत देश के सारे लोग अपने आप को बहुत लकी मान रहे हैं कि ऐसा दिन हम देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, 500 वर्षों में कई ऐसे लोग चाहते थे इस दिन को देखना, लेकिन वो चले गए, उनका जीवन खत्म हो गया, वो खप गए। तो ऐसा गौरवशाली पल छोड़ना मुझे लगता है ये अपने आप में, मैं से मूर्खता अगर कहूं तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं है। पता नहीं कौन सी, मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि, एक कहावत है, मुझे लगता है ये चरितार्थ होती है इन लोगों पर। ये राजनीति चलती रहेगी, ये चुनाव आते रहेंगे, लेकिन राम मंदिर जो बन रहा है ना, उसका जो एहसास है वो एकदम अलग है, और वो भारत देश के वासी महसूस कर रहे हैं। और जो भी इसमें विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, खलल डालने की कोशिश कर रहा है, या इस वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जनता उसे सदियों तक माफ नहीं करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं कांग्रेस पार्टी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस खुशी के पल से अपने आप को दूर रख रहा है, मैं ये उनका दुर्भाग्य मानता हूं। ठीक है, एक चीज और के हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के लिए कुछ खास लोगों को न्योता भी पहुंच रहा है, और इसी में एक छत्तीसगढ़ के, मैं अगर गलत नहीं हूं तो कांकेर जिले की रहने वाली महिला हैं जो कि पोस्टमार्टम करती हैं, उनको भी न्योता मिला है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ इस फिल्म के टिकट के लिए क्या ऐसे लोगों को खास न्योता आप भी देंगे? देखिए, मैंने एक और खबर पढ़ी थी, जैसे ये खबर आपने बताई, एक हमारी माँ है जो रोज 40 रुपए कमाती है, लेकिन जब राम मंदिर के लिए दान देने का विषय चल रहा था तो उन्होंने अपने एक दिन की कमाई में से 50% वो दान दे दिया था राम मंदिर के लिए। तो जो राम मंदिर की ट्रस्ट है उन्होंने उस माँ को भी न्योता भेजा है, और वो खबर जब हमने पढ़ी तो सच मानिए, मतलब हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, ऐसा लगा कि राम जी ने शबरी माँ को बुला लिया है। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ये सब उन्हीं का कार्य है कि कैसे वो अपने भक्तों को चुन चुन बुलवा रहे हैं, और परम सौभाग्य उनका जो वहां जा पा रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हम इस फिल्म को दिखा पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी, आप को प्रोड्यूसर हैं, फिल्म एक आ रही है 695, और अमित जी मैं गलत नहीं हूँ तो ये 19 तारीख को आप रिलीज कर रहे हैं, कितने सिनेमा घरों में देश भर में ये रिलीज होने वाली है? 800 सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। और ये फिल्म जो है, जो अमित जी बता भी रहे हैं, और जैसे कि फिल्म का नाम भी है 695, ये एक खास तारीखों का ये जो है संगम है। और ये खास तारीखें क्यों हैं, इस फिल्म में यही बताया गया है कि 6 और 9 और 5 के महीने इसमें क्या है। इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि 500 साल का जो इंतजार था वो लंबा कितना था, उसमें संघर्ष कितना था, उसकी गाथा क्या क्या है, और ये जो इतना बड़ा हमने पड़ाव पार किया है, सनातनियों ने जो पड़ाव पार किया है, ये कैसे पार हुआ है, इसके बारे में इस फिल्म में जिक्र है। तो ये फिल्म जो है 19 तारीख को सिनेमा घरों में लगने जा रही है, आप भी जाइए और फिल्म को समझिए, देखिए, जानिए कि क्या इतिहास है और क्यों ये आज जब हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, उत्साह उत्सव तो है लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे हमारे जो पूर्वज जो हैं उन्होंने भी कितना लंबा संघर्ष किया, उन्होंने कितना लंबा इंतजार किया, ये भी आप जानेंगे, संघर्ष भी जानेंगे। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और ये फिल्म 19 तारीख को 800 से अधिक सिनेमाघरों में लगने जा रही है।
तो आप इस फिल्म को जाकर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख के का इंतजार तो पूरी दुनिया ही कर रही है, हर सनातनी कर रहा है, पूरा भारत वर्ष कर रहा है। फिलहाल के आज के इस फेसबुक लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत।